धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बताया कि हम अपने देश के लिए जीते, हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ अपने पति या पत्नी अपने भविष्य को देखने के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं जीते। अगर एक जानवर गाय अपना सब कुछ दे सकती है जिसे कुछ भी समझ नहीं है, आपने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए भेजा है, एक दूसरे के लिए बोझ डालने के लिए भेजा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा है। परमेश्वर आपके आत्मा को हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बोझ हमें दे दे ताकि हम यूं ही इस दुनिया से न चले जाए, जैसे कि आपके जैसे अपने लिए सिर्फ ना मांगते रहे कि मुझे दे और मेरे आने वाले पीढ़ी मेरे पड़ोसी बर्बाद हो जाए, परंतु बोझ दे कि मैं सबके लिए प्रार्थना करने वाले हूँ। इन मंदिरों में जाने वाले लोगों के लिए, जो लोग जा रहे जिन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मुझे बोझ दे, मैं आपके पास आऊँ। धन्यवाद प्रभु जी मुझे अधिकार देने के लिए, धन्यवाद आपके नाम के लिए जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद वो अधिकार जो यीशु के नाम से दिया है, धन्यवाद जो सामर्थ्य आपने हमें दिया है, धन्यवाद कि आपका लहू हमारे साथ है, धन्यवाद कि आपने पूरा अधिकार हमें दिया है कि जो कुछ आपने किया है उससे भी बढ़कर हम इस दुनिया में कर सकते हैं। धन्यवाद शैतान के ऊपर आपने हमें ताकत को दिया है, शैतान को उठाने के लिए आपने हमें ताकत को दिया है, लोगों के पाप क्षमा करने के लिए आपने हमें बुलाया है, आपने हमें महायाजक बनाया है, राजकीय याजक बनाया, धन्यवाद देते हैं। हमारे देश में अपनी महिमा को लिया है, हमारे परिवार में अपनी महिमा को दिखाए, हमारे सिटी में अपनी महिमा को दिखाए, हमें फिर से एक श्रीकांत बना दे, हमें फिर से एक स्त्री बना दे जो प्रार्थना करने के लिए तैयार है दिन और रात, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए पर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, भले हमारे घुटने क्यों ना थक जाए, भले हमारे हाथ ना क्यों थक जाए, जब तक हम विजय को नहीं देख लेते तब तक हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करना चाहूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके दास के लिए धन्यवाद, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद जिन्होंने निर्णय लिया है, जिन्होंने समझ पाया है कि पिछवाई करना कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीषित कर इस रात में वो वापस जाते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में रहे, हमें आराम दे ताकि फिर से कल के हम तैयार हो सके। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद, हर एक बार जो आपने हमें दिया है समझाया है बल से भरा धन्यवाद, आदर में आपको देते हैं, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। Someone has still lost, if you have a uniform that has been lost, that is called letter, that uniform that has been lost. Secondly, is we also noticed, many sessions to be सबको अच्छा लगता है, फोन कॉल सबसे ज़्यादा फोन कॉल आते हैं, सिस्सू आता है, नॉबलेट आता है, पता नहीं कैसे होता है सेशन के दौरान में होता है, जैसे कि हम ब्रेक ही नहीं देते, लेकिन सो वी गिव यू ब्रेक्स, प्लीज फिनिश योर फोन कॉल्स, ऑल योर टॉयलेट ब्रेक्स, व्हाटएवर यू नीड टू वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स, प्लीज डू इट इन बिटवीन द सेशंस, देयर आर नॉट लाइक प्लीज टेक देयर यू हैव इंटरनेशनल स्पीकर्स, सम स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट विलेज से आए हैं, Also. And tomorrow is the last day. Okay, did you enjoy? Yes. Okay, the winners of the games team shall be announced tomorrow. Okay, shall be announced tomorrow. And all those who missed today's quiet time, only attendance liya tha, but Brother William has decided to be generous and merciful on you. Now, tomorrow, please get up and come at least once. Quiet time will start at 7 o'clock, which means what time you have to be there? 6:55, okay? Don't do half quiet time, don't have 6:15. I saw many girls coming at 6:15 or 6:20. Get up early if you have to. Do the full quiet time, alright? At least last day, we'll finish by lunch. Okay?
That's all the announcements for today. Good night. Go to sleep early. Yes, yes, yes.